अस्सलाम वालेकुम कुक एंड कुकिंग चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो दुआ हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ व कामरानियाँ व भलाइयाँ अता फरमाए और मेरा और आपका हम सबका खात्मा ईमान पर हो, आमीन। तो आज की जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सुपर डिलीशियस ओरियो डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी लाजवाब है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें और फुल वॉच करना है प्लीज़। तो यहाँ देखिए मैंने 8 से 10 जो हैं वो ओरियो के पैकेट ले लिए हैं, जो कि 10 रुपये वाले पैकेट होते हैं। तो ये 8 से 10 पैकेट मैंने ले लिए। तो अब यहाँ देखिए मैं इसकी क्रीम जो है वो इनसे अलग कर दूँगी। तो आप सबको हज मुबारक। तो जिनकी आज ईद है उनको ईद मुबारक। तो हमारी तो इंशाल्लाह कल होगी। तो यहाँ देखिए अब शॉपर में मैंने ऐड कर लिया बिस्किट को। तो ये ईद स्पेशल रेसिपी है, ईद पर इस डिज़र्ट को बनाएं, बहुत ही आसान है, झटपट बगैर आग जलाए बगैर मेहनत किए। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें अब क्या ऐड कर रही हूँ, मैंने इसको अच्छी तरीके से पीस लिया है। तो अब इसमें मैं 2.5 चम्मच जो है वो देसी घी के मेल्टेड देसी घी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास यहाँ मक्खन है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो उसको ऐड करने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, अब यहाँ देखिए मेरे पास जो बिस्किट की क्रीम थी वो भी ऐड कर दी है, और उसके अलावा व्हिपिंग क्रीम का एक कप जो है वो मैंने ऐड किया। और अच्छी तरीके से इसको मैं 6 से 7 मिनट तक बीट कर लूँगी। तो यहाँ देखिए बिस्किट का जो चूरा है इसको अच्छी तरीके से किसी भी बाउल सर्विंग बाउल में आपने ऐड कर लेना है। तो सर्विंग बाउल में मैं ऐड कर रही हूँ अच्छी तरीके से इसको नीचे से प्रेस करके। तो अब यहाँ देखिए क्रीम का जो मिक्सचर रेडी किया हुआ है वो इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ देखिए क्रीम के मिक्सचर को भी मैंने ऐड कर दिया है। तो माशाल्लाह से ये डिज़र्ट बहुत ही ज़बरदस्त, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा, आप सबको मेहमानों को बना कर दें, आपको खुद को बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ देखिए अब इसकी गार्निशिंग करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए इसका जो बिस्किट का जो चूरा है हाफ मैंने बचा लिया था, हाफ इसके ऊपर मैंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ गई है, बहुत ही सुपर डिलीशियस बना है ये। तो अब इसको कवर करके फ्लिम शीट की मदद से मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि ये ठंडा ठंडा हो जाए। ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है, सर्व करें आप। तो यहाँ देखिए आधा घंटा इसको हो चुका है। तो अब यहाँ देखिए माशाल्लाह से मैं इसको सर्व कर लूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त सुपर डिलीशियस बना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक ज़रूर कर दें। मैं सबकी वीडियो को लाइक करती हूँ। और यहाँ देखिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको काइंडली सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त ओरियो डिज़र्ट को मैं अब सर्व कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बना है, हेल्दी बना है। तो चलिए अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपको अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।